दोस्तों काफी दिनों से ये चर्चा हो रही थी कि टेस्ला के सीईओ इलॉन मस्क एक और बड़ी खबर या टेस्ला के शेयर में एक और बड़ी रैली के चलते दुनिया के सेकंड रिचेस्ट और माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स को पीछे करके उनकी जगह ले सकते हैं। और आखिर वो दिन आ ही गया था जब इलॉन मस्क ने बिल गेट्स को फाइनली पीछे छोड़ दिया। टेस्ला के शेयर्स में तेजी के पीछे का कारण है उसका S&P 500 इंडेक्स में एंट्री की न्यूज, और इस न्यूज के बाद लगातार टेस्ला के शेयर में बहुत तेजी देखने को मिली और टेस्ला ने $500 बिलियन की मार्केट वैल्यू को भी क्रॉस कर लिया। इलॉन मस्क ने सिर्फ 2020 में ही अपनी नेट वेल्थ में लगभग $100 से भी ज्यादा जोड़े हैं। टेस्ला US की 6th लार्जेस्ट कंपनी बन चुकी है, वॉरेन बफे की बर्कशायर हैथवे से भी बड़ी, और टेस्ला की मार्केट वैल्यू फोर्ड, टोयोटा और जनरल मोटर्स इन तीनों के कॉम्बिनेशन से भी ज्यादा है। क्या आपको भी टेस्ला इंटरेस्टेड लगती है और क्या आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना।